इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को हाई कोर्ट द्वारा झटका दिया गया है। जी हां, उनके द्वारा दायर एक याचिका को हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने पीएमटी 2012 में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को निरस्त कर पूरक जांच करने की मांग इस याचिका में की थी, लेकिन चीफ जस्टिस एस के सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुरेश सिंह भदौरिया की इस याचिका को निरस्त कर दिया गया है। और जाहिर है कि अब भदौरिया के खिलाफ जांच का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। भदौरिया द्वारा याचिका दायर करके यह कहा गया था कि सीबीआई ने इस मामले में जांच पूरी करके 23 नवंबर 2017 को भोपाल की अदालत में 592 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। उसमें भदौरिया द्वारा अपने लिए राहत मांगी गई थी, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है।